नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्या आपके हाथ में धन का भंडार है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथ की तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहली हमारी ये जीवन रेखा। जीवन रेखा हमारे जीवन के होने वाले घटनाक्रम के बारे में बताती है। इसी प्रकार से निम्न मंगल से चलकर ऊर्ध्व मंगल को जाने वाली रेखा को हम मस्तिष्क रेखा कहते हैं, विचारों की रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से बुध पर्वत से चलकर गुरु के पर्वत की तरफ जाने वाली रेखा को हम हृदय रेखा कहते हैं, जिसको कि हम प्रेम की रेखा बोलते हैं। सबसे देखते हैं कि हाथ में धन का भंडार। कहते हैं ना कि आपको जीवन में अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। आज के जमाने में पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर ये कमाते तो सभी लोग हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, हम धन संग्रह नहीं कर पाते, पैसे इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो कौन सी रेखा है और कौन से चिन्ह के द्वारा हमारे हाथ में ये संकेत दिखाता है कि आपके हाथ में धन का भंडार है। सबसे पहले हमारे हाथ में इन तीन प्रमुख लाइनों का होना जरूरी है। जैसे कि हम इन तीन लाइनों को प्राइमरी लाइनें होती है हमारी, और प्राइमरी लाइन अगर आपके हाथ में है तो आपके क्षमता को दर्शाती है, आपके पावर को दर्शाती है कि आपके अंदर एक कला है हर काम करने की। लेकिन पैसे की जो कला है वो आपकी भाग रेखा बताती है। और आपके हाथ में, कई लोग कहते हैं ना कि हमारे हाथ में मनी का ट्रायंगल है तो हम बहुत ज्यादा अपने लाइफ में पैसे इकट्ठा करेंगे। लेकिन मनी का ट्रायंगल अगर प्रॉपर बनता है तभी आप पैसे का संग्रह कर पाएंगे, पैसे इकट्ठा कर पाएंगे। वैसे पैसे आप कमाते हैं लेकिन संग्रह नहीं होगा अगर आपके हाथ में ये धन भंडार, जिसको हम त्रिभुज कहते हैं, अगर ये हाथ में है। अब ये आपके हाथ में ऐसी रेखा बन गई तो लोग समझते हैं कि हमारे हाथ में ये त्रिकोण बन गया, त्रिभुज बन गया। ये इस प्रकार को नहीं दर्शाता है कि आपके पास पैसे का, सिर्फ आपके माइंड की एक्टिविटी को दर्शाता है कि आप बिजनेस के क्षेत्र में अपना दिमाग लगाते हैं और उसमें आप मास्टरी कर सकते हैं। लेकिन पैसे की सेविंग तभी होगी आपकी जब आपकी इन रेखा के द्वारा जुड़ा हुआ भाग रेखा के साथ आपका मनी ट्रायंगल बनेगा। और इसी प्रकार से एक साइन और देखते हैं जो आपको पैसा देने का संकेत बताती है, और दूसरी है ये आपकी हृदय रेखा है। और इसी प्रकार से एक रेखा इस हमारे जीवन रेखा से एक रेखा इस चंद्र पर्वत की तरफ गई और इसमें मिल गई। इतना बड़ा ट्रायंगल, ये भी कोई पैसे इकट्ठा करने का संकेत नहीं है। आप इस बुध रेखा, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारी ये बुद्धि को दर्शाता है, हमारे बिजनेस और पराक्रम को दर्शाता है, और ये माइंड हम किसी चीज को कितने गहराइयों तक करते हैं। ऐसे लोग विदेश की यात्रा अवश्य करते हैं और विदेश की यात्रा करके पैसे कमाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा हम नहीं कह सकते कि वो अपने लाइफ में पैसा इकट्ठा करेंगे। और जो असली मनी ट्रायंगल बनता है वो देखते हैं कैसे बनता है। असली मनी ट्रायंगल हमारी भाग रेखा, ये जिसको हम बोलते हैं शनि की रेखा। शनि की रेखा प्रॉपर हो, शनि के पर्वत तक पहुंचने वाली रेखा को हम भाग रेखा कहते हैं, प्रोग्रेस रेखा कहते हैं। जीवन में सब कुछ इसी रेखा से हम देखते हैं। हमारे व्यवसाय कैसे है ये रेखा बताती है हमारी भाग रेखा। हम जीवन में तरक्की करेंगे, भाग रेखा बताती है। हमारा बिजनेस और प्रोफेशनल कैसे है वो भाग रेखा ही बताती है।
अब संकेत बताता है क्या आपके लाइफ में पैसा होगा। सबसे पहले इसी रेखा से हम देखते हैं, अब यहां से एक रेखा ये बुध की तरफ जा रही है, ऐसे ये बना आपका धन भंडार, इसको हम बोलते हैं धन भंडार का चिन्ह, इसको हम धन भंडार, ये हुआ धन भंडार का चिन्ह। ऐसे लोग अपने जीवन काल में अवश्य पैसा इकट्ठा करते हैं और ज्यादा मात्रा में पैसा इकट्ठा करते हैं। इस भाग रेखा पे कोई बुरा चिन्ह ना हो, कोई क्रॉस ना हो, कटता ना हो, और यहां पे अगर इसी भाग रेखा के द्वारा एक फिश की साइन बन जाए, एक फिश की साइन बन जाए, ये फिश की साइन बन जाए, फिश की साइन चाहे छोटी बने या बड़ी बने, अगर फिश की साइन बनती है, भाग रेखा प्रबल है, और ये जो हमें मनी ट्रायंगल बनाने वाली रेखा जिसको बुध की रेखा कहते हैं, हम व्यापार की रेखा भी कहते हैं और इसको हम स्वास्थ्य की भी रेखा कहते हैं, अगर ये बीच का ट्रायंगल बना है तो आप अपने जीवन काल में अवश्य पैसा संग्रह करेंगे, इकट्ठा करेंगे। और इसी के साथ इस हमारे शनि पर्वत से एक रेखा और नीचे की तरफ आ जाए, ये रेखा आपके एक अलग व्यवसाय को बताती है, अलग व्यवसाय को दर्शाती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।